हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सभी। तो बेटा, आज हम लेके आए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर आज हम इम्पोर्टेंट टर्म क्यूरीज लॉ और हाइट्रिजिस कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा बेटा, जिसके बेस पे हम मैग्नेटिक मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं बेटा। तो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। तो आज का जो टॉपिक है, पहला हुआ है हमारा क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज ला, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, क्यूरीज ला। बेटा क्या कहता है क्यूरीज ला? देखिए बेटा, एक चीज हम पीछे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मेटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए, किसी भी मेटेरियल को मैग्नेट बनाना है तो उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ती है, जिसे क्या होता है, इसके जो एटॉमिक डाइपोल्स है वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। क्लियर? सारे के सारे जो है एक डायरेक्शन में बेटा आ जाते हैं। जब सारे एक डायरेक्शन में आएंगे, एक डायरेक्शन में लाई कर जाते हैं, तो ये एक मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? मैग्नेट। इसी बेस पे बेटा इस मेटेरियल को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो बेटा पिछला लेक्चर जरूर देखिए। ओके, तो यहां से जो हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं बी नोट, और हमने कितनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी अप्लाई की है, ये भी हम चीज पढ़े थे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एच से हमने इसको डिनोट किया था। जितना ज्यादा एच अप्लाई करेंगे, उतना ही ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल एम क्रिएट होगा, यानी कि आई की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। आई क्या था? मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि मैग्नेट बनने की कैपेसिटी, ये भी कह सकते हो। तो जितना ज्यादा एच होगा उतना ही ज्यादा आई होगा, क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। लेकिन एक फैक्टर और था, ये कितना अच्छा मैग्नेट बनेगा, इट इज ओनली नॉट ऑन डिपेंड ऑन द एच अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता सिर्फ बेटा, ये डिपेंड करता है एक चीज और, क्या? टेम्परेचर। वही चीज आज हम प्रूव करने वाले हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल इज डिपेंड नॉट ओनली द प्रॉपर्टीज of material, it is also depend on given temperature के ऊपर भी depend करती है susceptibility, on the properties of material, it is also depend on given temperature, यानी कि susceptibility H के ऊपर, सिर्फ खाली H के ऊपर depend नहीं करती, यानी कि I बनने की capacity, ठीक है, susceptibility जो हमने ली थी बेटा यहाँ से directly को sign हटाओ तो susceptibility हमारा आया था, तो ये जो value है ये depend नहीं करती सिर्फ material की कैसी property, ये depend करती है temperature पे, वो तो वही चीज़ आज हम prove करने वाले हैं बेटा। Clear? चलिए राइट डाउन करना चाहते हो कर लीजिए इस चीज को। ओके, देखिए बेटा, तो क्यूरीज ने क्या कहा, क्यूरीज ने कहा बेटा, ध्यान दीजिए, क्यूरीज ने कहा कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसने कहा कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में सारे के सारे जाएंगे या नहीं जाएंगे किसी मेटेरियल के, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो ये एक्साइटेड रहेंगे, और कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो अच्छा मैग्नेट नहीं बनेगा। ओके, तो यहां से जो आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी हो गया, या फिर कह सकते हो ये फैक्टर है हमारे लिए, आई का जो एक्चुअल फॉर्मूला है ये नहीं कह सकते हम, it is also depend on the temperature, surrounding temperature के ऊपर भी depend करता है, ठीक है बेटा।
अच्छा जो हमारा बी था वो डायरेक्टली, सॉरी बी की वैल्यू क्या थी बेटा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है। सॉरी यहां पर एक काम करना, आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लेके चलना बेटा, पहले अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लेके चलो, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता देते हैं। वैसे आना यहाँ पर एच ही है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता देते हैं। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आई होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही कम आई होगा, ठीक है बेटा। तो ये है, अब बी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, तो बेटा बी नॉट की जगह क्या रख सकते हो आप, एच। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन नहीं हटा रहा हूं, तो यहां से आ जाएगा एच बाई टी। देखो बेटा बी नॉट डिपेंड करता है एच पे, आई डिपेंड करता है बी पे, तो यहां से आपके पास आई इज ऑल्सो डिपेंड ऑन एच। क्लियर? अच्छा यहां से हम क्या करेंगे, इस h को इसके डिवाइड में ले आएंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय t बोल देंगे, h इसके डिवाइड में ले आएंगे। ओके, i बाय h क्या होता है, i बाय h किसका फॉर्मूला था, सस्पेक्टिविटी का। इसको रखो बेटा यहां पर, ठीक है। और यहां से हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट पुट करेंगे, ये सी बेटा हमने पुट किया, और ये सी क्या है बेटा, क्यूरीज कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूरीज कांस्टेंट। और यही है क्यूरीज लॉ, जिसने प्रूव करके दिखा दिया था कि आपके पास सस्पेक्टिविटी ऑफ ए मेटेरियल इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। सस्पेक्टिविटी इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इनवर्स, सॉरी टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, सॉरी सराउंडिंग टेम्परेचर के ऊपर बेटा ये डिपेंड करता है। तो ये क्यूरीज ने बेटा यहां से हमको बताया, क्लियर, ठीक है। यानी कि जो आई है वो हम कह सकते हैं इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एच बाई टी पर। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। तो कैसा ग्राफ आएगा, ग्राफ बनाते देखो बेटा, इधर ले लिया हमने एच बाई टी और इधर ले लिया हमने आई, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। तो ग्राफ कैसा आएगा, अगर h बाई टी की वैल्यू बढ़ेगी, इस पूरे फैक्टर को एक साथ काउंट कर रहा हूं बेटा, मैं इस पूरे को मैं मान लेता हूं x, मान लेता हूं इस पूरे को x मान लेता हूं, अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो i की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये इसकी जगह मैं x लेके चल रहा हूं मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर h बाई टी की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू बढ़ेगी, और जाके ये थोड़ी देर बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जैसे जैसे h बाई टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, i की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा चाहे आप कितना भी h बाई टी बढ़ा लेना, i की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट। क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक डायरेक्शन में आने के बाद, चाहे फिर आप कितना भी एच बाई टी बढ़ा लेना, वो सारे के और तो नए प्रोड्यूस होने वाले नहीं है, ठीक है। तो वो सारे के सारे ऑलरेडी पहले ही एक डायरेक्शन में हो चुके हैं, जितना मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने प्रोड्यूस करना था उतना कर दिया, अब चाहे एच बाई टी आप कितना भी बढ़ाओ, आई की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, ठीक है बेटा। तो ऐसा ग्राफ आएगा हमारे पास, आई कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहां से ये था क्यूरीज लॉ, जो बताता है बेटा कि हमारे पास जो सस्पेक्टिविटी है किसी मेटेरियल की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सस्पेक्टिविटी घटेगी बेटा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मेटेरियल का मैग्नेट बनने की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है बेटा। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये था क्यूरीज लॉ। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा आज का हमारा, वो है हाइट्रिसिस कर्व। क्या है, हाइट्रिसिस कर्व बेटा, ध्यान दीजिए हाइट्रिसिस कर्व के ऊपर। हाइट्रिसिस कर्व, ठीक है, हाइट्रिसिस कर्व देखिए बेटा एक बार। हाइट्रिसिस कर्व को कभी कभी कई बुक के अंदर बेटा बीएच कर्व के नाम से भी दिया जाता है, बीएच कर्व। तो कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज है। हाइट्रिस क्या है, एक मेटल की प्रॉपर्टीज है बेटा, एक फेरोमैग्नेटिक्स, इट इज टेल्स अबाउट, इट इज टेल्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है बेटा हाइट्रिसिस कर्व, हाइट्रिसिस कर्व फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट इज टेल्स अबाउट द
प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हाइजीस कर्व हमें जानकारी देती है बेटा। क्या है हाइजीस कर्व, क्या बताएगी बेटा, ये कैसे बताएगी प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में? तो हम स्टार्ट करते हैं और हाइजीस कर्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से, मैं साफ कर रहा हूं इसको, तो ग्राफिकली हम यहां से प्रूव करके दिखाएंगे। ग्राफ बनाएंगे बेटा किसके बीच में, ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में, एच और आई के बीच, ग्राफ बनाएंगे एच और आई के बीच। आपको पता है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, ठीक है, क्यूरीज लॉ में भी हमने पढ़ा, और पीछे हम पढ़ेंगे कि एच आई सॉरी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। आई क्या है बेटा, किसी भी मैग्नेटिक मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन कि वो कितना अच्छा मैग्नेट बना है, यानी कि मैग्नेट, ये आई जो है ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड ऑफ ए मैग्नेटिक मेटल इन ए मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, जितने ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा उतना ही वो अच्छा मैग्नेट बनेगा बेटा। तो आई बताती है किसी मैग्नेटिक मेटल के मैग्नेट बनने की कैपेसिटी के बारे में। ओके तो बेटा यहां से ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये है बेटा ये एच क्या है बेटा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये चीजें है बेटा। तो इनके बीच में हमने ग्राफ बनाना है कैसे, देखिए बेटा एक मेटल लिया, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया नॉर्थ और साउथ। तो यहां से हमने बी अप्लाई कर दिया, ये बी कैसा अप्लाई किया बेटा, कॉन्स्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो यहां से इस मेटल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने अप्लाई करना है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, वेरिएबल, ये क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम इस बी की वैल्यू चेंज कर सके। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे, देखो दो तरीके होते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के, सोलेनोइड भी तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है बेटा, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा ध्यान दीजिए, आपने एक सोलेनोइड लिया और इसको करंट दे दिया आई, और ये करंट कैसा है बेटा, कैसा है, वेरिएबल करंट है, चेंज हो सकता है करंट, करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो यहां से हॉर्स की लगा के जो भी है, तो आप यहां से बेटा इसमें करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हो, और इसके बीच में रख दिया कोई मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे ही आप यहां से बेटा करंट दोगे तो करंट इस सोलेनोइड के अंदर जाएगा, और सोलेनोइड के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल, वो डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, करंट बढ़ाओगे तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस मेटल के ऊपर आपने बेटा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यानी कि एच अप्लाई किया, ठीक है, अब एच बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इस मैग्नेटिक मेटल में क्या चीज हमको देखने को मिली, इसके जो डाइपोल्स थे उनकी डायरेक्शन वो एक डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गए, और वो एक डायरेक्शन पहले मान लो दो आए, फिर और ज्यादा एच अप्लाई किया तो और दो आ गए एक इसी डायरेक्शन में, और आपके पास ज्यादा एच अप्लाई किया और ज्यादा आपके पास आ गए, तो आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है कब, जब एच आप बढ़ाते जा रहे हो। तो पहले केस में हमने एच बढ़ाया तो आई बढ़ा बेटा, और ये एक मैग्नेट बन गया, ठीक है बेटा, क्लियर, जिसका आपके पास साउथ पोल ये हो गया और नॉर्थ पोल ये, क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए बेटा हमने क्या कहा, एच बढ़ाया तो आई बढ़ा, ऐसे कुछ ऐसे करके ग्राफ आएगा, और यहां पर जाके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट चलेगी, एच चाहे आप कितना भी बढ़ाओ, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, एच इतना ज्यादा हमने अप्लाई कर दिया कि सारे के सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में हो गए, उसके बाद और डाइपोल कैसे आएंगे, नहीं तो बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपके पास जितना अच्छा ये मैग्नेट बनना था, जितनी क्वालिटी का मैग्नेट ये बनना था, बन चुका है, चाहे आप कितना भी एच अप्लाई करो, ठीक है बेटा, ओके। अब धीरे धीरे करंट को कम करते हैं, यानी कि अब बी की वैल्यू घटाएंगे, एच की वैल्यू भी घटाएंगे। दूसरे केस में क्या करना है आपने बेटा, एच की वैल्यू घटानी है तो आई की वैल्यू सीधी सी बात है घटेगी, क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है बेटा। तो एच घटाओगे तो आपके पास आई की वैल्यू भी घटेगी, घटाएगी बेटा। तो ग्राफ में हम पहले ऐसे गए, अब इस ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद देखो हमने एच की वैल्यू कम करना स्टार्ट की, एच कम करना स्टार्ट किया तो आई भी बेटा कम हो गया, आई इतना हो गया।
अब एच देखो बिल्कुल जीरो हो चुका है, लेकिन आई की वैल्यू कुछ ना कुछ अभी बची हुई है, ठीक है। यानी कि सारे के सारे एच हमने कम किया, लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो बेटा सारे के सारे अभी से रैंडम डायरेक्शन में नहीं आए हैं। अब भी कुछ ऐसे डाइपोल्स हैं जो अभी एक ही डायरेक्शन में, मान लो ये दो जो है ये अपनी रैंडम डायरेक्शन में चले गए, एक इधर, लेकिन चार अभी बचे हुए। कहने का मीनिंग कि अभी से ये जो मेटेरियल है बेटा हमारा, ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है, अब भी ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ अपने पास रखता है, जब हमने इसके ऊपर करंट बिल्कुल जीरो यानी कि एच की वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी हो। यानी कि एच हमने बिल्कुल जब जीरो कर दिया तो उसके बाद आई की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बी पॉइंट पर हम पहुंचे, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है बेटा। और यहां से ये बताता है इस मेटेरियल की एक प्रॉपर्टीज के बारे में, रेटेंटिविटी, रेटेंटिविटी यानी कि हम जब H बिल्कुल जीरो कर दे उसके बाद भी ये मैग्नेटिक मेटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, कि अपने अंदर अब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समेटे हुए हैं बेटा, ये अब भी अपने आप को मैग्नेट बनाए हुए हैं बेटा ये मैग्नेटिक मेटेरियल। ये कराती इसकी रेटेंटिविटी, यानी कि H को बिल्कुल जीरो अप्लाई कर दो फिर भी उसके बाद आई की वैल्यू यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब भी जीरो नहीं हुई है, अभी से ये मेटेरियल अपने आप को मैग्नेट बनाए हुए हैं बेटा। इट इज कॉल्ड रेटेंटिविटी, यानी कितनी देर तक एच को क्या करता है जीरो करने के बाद भी कितनी अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को संभाल के रख सकता है कोई मेटेरियल, वो उसकी रेटेंटिविटी कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? रेटेंटिविटी, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आगे तीसरा पॉइंट। अब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट बदल दिया। करंट बदलने का मीनिंग कि अपने हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी। यानी कि अगर डायरेक्शन के हिसाब देखें तो हम तीसरे केस में क्या कर रहे हैं, एच को नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर पहले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई था, जिसकी वजह से जो डाइपोल्स थे वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में बी को अप्लाई कर देंगे। इस डायरेक्शन में बी अप्लाई करने से क्या होगा कि भाई ये दो मेटेरियल तो हमारे जो थे, दो डाइपोल्स तो जो थे वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो गए थे शिफ्ट, लेकिन ये चार अब बच रहे थे बेटा, इसको हम रेटेंटिविटी बोलते थे। लेकिन हमने अब बी को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, एच को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये मेटेरियल भी बेटा क्या होंगे, रैंडम डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? रैंडम डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इतना ज्यादा एच नेगेटिव अप्लाई कर देंगे एंड आई की वैल्यू बढ़ा के, करंट बढ़ा के बेटा, एच इतना ज्यादा नेगेटिव अप्लाई कर देंगे कि उसके बाद ये मेटेरियल क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड, यानी कि कोई भी डाइपोल, इसके जो डाइपोल एटॉमिक डाइपोल इस मेटेरियल के, वो सारे के सारे रैंडम डायरेक्शन में होंगे। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। नेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यानी कि आई भी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। यानी कि हमने इतना एच अप्लाई कर दिया, इतना नेगेटिव एच डायरेक्शन, देखो इधर की एच नेगेटिव लिया जाएगा इधर का, तो इतना ज्यादा नेगेटिव एच अप्लाई कर दिया बेटा हमने, ठीक है, कि आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? जीरो हो चुकी है। यानी कि सी पॉइंट पर हम पहुंच गए। दिस इज कॉल्ड ये रिटेंटिविटी। तो हम ओ बी को बोलेंगे बेटा, ओ बी को, और ये कहलाएगी जो ओ सी है बेटा, ये कहलाएगी कोर्सिविटी। क्या कहलाएगी? कोर्सिविटी। दो ये इंपॉर्टेंट बेटा डेफिनेशन आपकी हाइपोथेसिस कर्व के अंदर आएगी, ठीक है बेटा। तो पहली तो थी रेटेंटिविटी, इसको हमने क्या नाम दिया? ओबी। दूसरी है कोर्सिविटी, कोर्सिविटी यानी कि ओसी, कि कितना हम नेगेटिव एच अप्लाई करें कि उसके बाद वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। एच को जीरो करने से तो अभी से वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था, लेकिन उसके लिए हमने उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या किया, हमने उसके सारे डाइपोल्स को फिर से रैंडम डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए क्या किया, हमने एच को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा। इसको ही बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? कोर्सिविटी। क्लियर? अब इस डायरेक्शन में फिर से और एच को बढ़ाइए बेटा। क्या कर रहे हैं, साफ कर देता हूं मैं इसको। चौथा पॉइंट देखिए बेटा, जब आई की वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी गई है, मेटेरियल फिर से कंप्लीटली मेटेरियल ही रह गया है, मैग्नेटिक मेटेरियल नहीं रहा,
ठीक है बेटा, तो हमने और एच को नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ाया, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा कि उसके जो मैग्नेटिक मेटल था, उसके जो बेटा डाइपोल्स थे, अब वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, यानी साउथ इधर हो गया, इसका नॉर्थ इधर हो गया, हमने एच इस डायरेक्शन में अप्लाई कर, ठीक है, तो अब हमारी आई की वैल्यू भी बेटा डायरेक्शन चेंज हो गई, आई पहले इधर था, अब आई इधर हो गया बेटा, तो आई की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है बेटा, तो ये यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, डी पॉइंट, यानी कि इतना एच अप्लाई करने पर आई की वैल्यू हमारे पास हो चुकी, यानी फिर से ये मैग्नेटाइज्ड हो गया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम करंट को फिर धीरे धीरे जीरो करेंगे, तो एच की वैल्यू फिर से स्टार्ट आपके पास बेटा क्या होगी, देखो आई फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गया, नेगेटिव में आई भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, पांचवा पॉइंट था बेटा, छठा पॉइंट देखिए इसके अंदर, अब एच को हम क्या कर देंगे बेटा जीरो, तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीती बात है, एच जीरो कर दोगे, ठीक है, एच जीरो कर दोगे तो क्या आई की वैल्यू जीरो होगी, नहीं होगी बेटा, आई अभी देखो इतना बच रहा है, एच जीरो हो चुका है, क्योंकि यही कराती है हमारी रिटेंटिविटी, डी ई नाम दे दे इस पॉइंट को। अब हम फिर से एच को इस डायरेक्शन में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, यानी कि फिर से अगर हम कहे कि हमने जो एच है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो जो इस डायरेक्शन में आई क्रिएट हुआ था वो फिर पहले तो क्या होगा बेटा, इतना एच अप्लाई करने से जीरो होगा, ठीक है, इतना एच अप्लाई करने से तो जीरो होगा, उसके बाद फिर और अगर एच को बढ़ाओगे बेटा आठवां पॉइंट, अगर एच को और ज्यादा बढ़ाओगे तो आई फिर से बढ़ेगा और कुछ ऐसा बेटा ये आपका ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये है हाइटिसिस का, यहां से जो लूप बना है ग्राफिकल, ये लूप बताता है किसी भी मैग्नेटिक मेटेरियल जो इसके बीच में रखा है बेटा, इसके ऊपर हम वेरिएबल एच अप्लाई कर रहे हैं, जो एच है वो कैसा है बेटा, वेरिएबल एच, डिफरेंट डिफरेंट एच की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से हमारे पास वो क्या जो मेटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड होता है और डीमैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है, फिर मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, एच की डायरेक्शन चेंज करते हैं, कभी एच इधर, कभी एच इधर, कभी एच इधर, कभी एच इधर, ठीक है, तो वहां से हमें ऐसा कुछ ग्राफ बेटा मिलेगा और इसी को बोलते हैं बेटा हाइड्रिसिस कर्व, हाइड्रिसिस कर्व, यहां से जो हाइड्रिसिस कर्व है बेटा ये बताएगी कि कोई भी मेटेरियल कितना अच्छा मैग्नेट है, कितना अच्छा मैग्नेट नहीं है, ये कर्व को देखकर भी हम पता कर पाएंगे, ठीक है बेटा, कैसे देखिए बेटा, एक चीज इसी के अंदर एक चीज और पढ़िए, क्या ये हाइट, जब हम किसी भी मेटेरियल को, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, जब हम किसी भी मेटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, जब किसी भी मेटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है या नहीं, क्या हम किसी मेटल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हैं तो एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहती है या एनर्जी का लॉस होता है बेटा, इस चीज पे हमने विचार करना है, ध्यान दीजिए, देखिए बेटा हमने एच अप्लाई किया, कुछ ना कुछ आई की वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी जितनी हमने एनर्जी खर्च की हमें वो मैग्नेटिक मेटल मिला, उसके अंदर वो एनर्जी जाके स्टोर हो गई, भाई हम जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बेटा, जिस मेटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, एच अप्लाई कर रहे हैं, तो एच अप्लाई करने से ये क्या बन गया बेटा मैग्नेटिक, यानी जितनी एनर्जी हमने खर्च की उतना ही ये उतनी एनर्जी जाके इसके अंदर, इस मेटेरियल के अंदर स्टोर होगी, तो यहां से तो हमारी एनर्जी क्या है, कंजर्व है, ठीक है, लेकिन फिर हमने जब एच की वैल्यू जीरो की तो उस टाइम आई की वैल्यू जीरो नहीं हुई, क्या बेटा ध्यान से तुम सुनो मेरी बात को, जब हमने H जीरो किया, इस पॉइंट की, बी पॉइंट की बात कर रहा हूं, बी पॉइंट की बात, जब हमने H जीरो किया तो I की वैल्यू जीरो नहीं हुई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग कि हमें एक्स्ट्रा H अप्लाई करना पड़ा I की वैल्यू जीरो करने के लिए, यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाता है, कहने का मीनिंग हमें एनर्जी का थोड़ा एक्स्ट्रा लॉस करना पड़ता है उसको वापस से डीमैग्नेटाइज करने के लिए, यानी कि जब हमारा एच जीरो था तो आई भी जीरो था इस पॉइंट पे ओ पे,
हमारा h की वैल्यू कुछ ना कुछ हुई, तो i की वैल्यू भी कुछ ना कुछ हुई, लेकिन फिर से हमने h जीरो किया तो i फिर से जीरो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, यानी कि उसको वापस से i को अगर हमने जीरो करना है, ठीक है बेटा, i को जीरो करना है तो h इसके लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा, यानी कि इस ये दोनों रूल फॉलो होने चाहिए थे, h जीरो तो i जीरो, h जीरो तो i जीरो होना चाहिए था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, तो यहाँ से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर फॉलो नहीं होता। एक चीज और समझ लीजिए बेटा इसी के अंदर, देखो बेटा इस कर्व में देखो हमारा जो रास्ता होता है जब हम या कोई ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होती है आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब हम एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में वो होता है कि जब हम ग्राफ बनाए ऐसे प्रोसेस का कभी ग्राफ बनाए तो ग्राफ में जो रास्ता होता है उसी रास्ते से वापस आ जाए। देखो बेटा इस रास्ते से गए थे और इसी रास्ते से अगर हम वापस आ जाते तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस ग्राफिकली अगर देखे तो। लेकिन यहां से देखो इधर से गए ये रास्ता सेम रास्ता फॉलो नहीं हो रहा, इसका मीनिंग ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होता। क्लियर बेटा? तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा यहां पर, कितनी एनर्जी वेस्ट जाएगी? तो एनर्जी का वेस्ट जो होता है वेस्ट ऑफ एनर्जी ठीक है बेटा, एनर्जी का जो वेस्ट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कर्व। ये जो कर्व बनी है बेटा हमारी है, एरिया ऑफ लूप भी हम इसको बोल सकते हैं, एरिया ऑफ लूप जो यहां से ये लूप बना है ग्राफ के अंदर, इसका जितना ज्यादा एरिया है तो समझ लो एनर्जी का लॉस उतना ही ज्यादा यहां पर हो रहा। क्लियर बेटा? अब इसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए बेटा ध्यान दीजिए, इसी के ऊपर दो टाइप से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, या तो हाइड्रेसिस कर्व का डायरेक्ट पूछ लेगा कि हाइड्रेसिस कर्व को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो हाइड्रेसिस कर्व को। देखिए बेटा अब दो क्वेश्चन हमारे यहां से बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए, उससे पहले मैं बताता हूं आपको कि एक ग्राफ बना लेता हूं। देखिए बेटा एक और बना लेता हूं, इसको बनाना बड़ा टेढ़ा काम है, कुछ ऐसा आ गया मान लो। ठीक है बेटा दोबारा ही बनाना पड़ेगा, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। चलो ठीक है, ज्यादा हम आप समझ ही गए होंगे ग्राफ बनाया है। बेटा ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके लिए ऐसा ग्राफ आया और ये था स्टील के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, देखो आपसे विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट, विच मेटल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट, कौन सा स्टील और सॉफ्ट आयरन को कंपेयर करना है कि कौन सा मेटेरियल अच्छा है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। बेटा स्टील से भी परमानेंट मैग्नेट बनाई जा सकती है और सॉफ्ट आयरन से भी परमानेंट मैग्नेट बनाई जा सकती है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें बेटा तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पहली हाई रेटेंटिविटी, दूसरी बेटा हाई कोरोसिविटी, और तीसरा बेटा हाई लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि देखो अब तीन चीजों का ध्यान रखना है बेटा, ध्यान दीजिए, देखो यहां से सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है,
सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है और यहां से स्टील की रिटेंटिविटी कम है, भाई ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो रिटेंटिविटी जो थी वो सॉफ्ट आयरन की ज्यादा थी। यहां से आयरन के लिए आई ले लेता हूं बेटा यहां पर, और स्टील के लिए एस ले लेता हूं। तो आयरन की सॉफ्ट सॉरी रिटेंटिविटी ज्यादा थी स्टील से, लेकिन कोरस्टिविटी ऑफ आयरन कम थी कोरस्टिविटी ऑफ स्टील से, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर उसको डीमैग्नेटाइज होने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, किसमें, स्टील वाले केस में। तो यहां से लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा हो रहा था, यानी कि यहां से एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी इन आयरन इज लेस देन लॉस ऑफ एनर्जी इन सॉफ्ट आयरन, तो सॉरी स्टील आयरन में लॉस ऑफ एनर्जी बेटा कम हो रहा था और लॉस ऑफ एनर्जी स्टील में ज्यादा हो रहा था। तो दो केस में स्टील बाजी मार गया। तो इसका मीनिंग, हमें अच्छा मैग्नेट अगर बनाना है, परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना है, तो स्टील का यूज करना चाहिए, क्योंकि स्टील की जो कोरस्टिविटी होती है वो आपके पास सॉफ्ट आयरन से ज्यादा होती है, और इसका जो एरिया होता है इस कर्व का वो एरिया भी ज्यादा होता है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है बेटा। तो ये एक परमानेंट मैग्नेट, अच्छा मैग्नेट बन सकता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए बेटा, विच मेटल इज बेटर फॉर मेक ट्रांसफॉर्मर कॉइल एंड जनरेटर कॉइल। जो जनरेटर होता है या सॉफ्ट आयरन कॉइल होती है बेटा, सॉरी इसकी ट्रांसफॉर्मर की जो कॉइल होती है उसको बढ़ाने के लिए किस मेटल का यूज करना चाहिए। तो बेटा ये बढ़ाने कॉइल्स बढ़ाने के लिए हमें देखो लो तो होनी चाहिए रिटेंटिविटी, तीसरा यानी जितना जल्दी, ट्रांसफॉर्मर में कौन सी कॉइल काम करेगी बेटा, अच्छा जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर में कौन सी कॉइल अच्छा काम करेगी बेटा, तो वो कॉइल अच्छा काम करेगी जो जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से डीमैग्नेटाइज, जल्दी से मैग्नेटाइज जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए और लॉस ऑफ एनर्जी भी कम हो, तो वो अच्छी रहती है बेटा जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो लो रिटेंटिविटी और लो कोरस्टिविटी, और तीसरा है स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। इस केस में देखो यहां पर लो रिटेंटिविटी तो जो है आयरन की ज्यादा है इसे स्टील से, लेकिन कोरस्टिविटी जो है बेटा आयरन की कम है स्टील से, और लॉस ऑफ एनर्जी जो है आयरन का कम है लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ स्टील से। तो बेटा इन दो केस में आयरन सॉफ्ट आयरन बाजी मार गया, तो हम सॉफ्ट आयरन की कॉइल्स या प्लेट यूज करते हैं बेटा टू मेक जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर कॉइल्स। ओके, ट्रांसफॉर्मर की प्लेट में यूज करते हैं बेटा, प्लेट में, कॉइल में नहीं प्लेट में, और जनरेटर की कॉइल्स। तो ये चीजें हमने बेटा आज हाइड्रोजिस कर्व में सीखी। तो हाइड्रोजिस कर्व से हमें समझ में आया कि हाइड्रोजिस कर्व टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, कि वो कितना अच्छा मैग्नेट बनेगा, कैसा मैग्नेट बनेगा, इसके बारे में हमें बताती है हाइड्रोजिस कर्व, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में हाइड्रोजिस कर्व से हमें जानकारी मिलती है। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक था। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।